वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स लोक सेवा आयोग की ओर से एक और विज्ञप्ति जारी हुई है, चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2022 में सम्मिलित पद वैज्ञानिक अधिकारी यानी कि रसायन, उसके अलावा विष विज्ञान, विस्फोटक एवं नारकोटिक्स अनुभाग वैज्ञानिक अधिकारी, इतना इतना आप देख सकते हैं अलग अलग के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं। साक्षात्कार चयन हेतु अहर अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि 16 मई 2023 और उसके अलावा 17 मई 2023 निर्धारित की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत जो वैज्ञानिक अधिकारी के पद थे उसके लिए जो इंटरव्यू है 16 से लेकर 17 मई तक यह निर्धारित हुए हैं। ठीक है, अभ्यर्थी अपने अपने आवेदन पत्र अनुक्रमांक संख्या अनुसार साक्षात्कार के कार्यक्रम में साक्षात्कार ज्ञापन चेकलिस्ट संबंधी तमाम डिटेल से जो है 28 अप्रैल 2023 से आयोग की वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा जो है साक्षात्कार जो है के लिए डिटेल्स नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को अनर्ह अभ्यर्थन निरस्त सूची भी जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके जो इंटरव्यू होंगे 16 से लेकर 17 मई के बीच में होंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है उसकी भी यहाँ पर जो है लिस्ट आ गई है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के पद हेतु अनर्ह अभ्यर्थियों की पदवार सूची, तो ये लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो पोस्टेज थी वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक तथा प्राक्षेपिक अनुभाग, आप देख सकते हैं नाम, अभ्यर्थी का नाम, रोल, आवेदन पत्र संख्या और क्यों यहाँ पर रिजेक्ट हुआ उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन दिया हुआ है। जैसे ये है अश्विनी कुमार, उनका अभ्यर्थी द्वारा धारित अनिवार्य अनुभव फॉरेंसिक साइंस से संबंधित ना होने के कारण वो अनर्ह होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी यहाँ पर उन्होंने जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जिस जिस पद के लिए उनको रिजेक्ट किया गया है सभी यहाँ पर जो है डिटेल डाली गई हैं। और बाकी जो चेकलिस्ट है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनकी डिटेल्स हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।